नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 19वें दिन की कथा। अध्याय 19 में ब्रह्मदत्त ब्राह्मण एवं कल्हा राक्षसी की कथा। राजा प्रथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महात्म और व्रत का वर्णन विस्तार पूर्वक मुझसे कहा, सो मैंने ध्यान पूर्वक सुना। अब कार्तिक मास व्रत करने वाले पुरुष का फल एवं महात्म कहो। ये व्रत पहले किसने और कब किया था, सब विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करो। नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नाम के नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता था, द्वादाक्षर मंत्र का जप करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, चलायमान लपलपाती जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नग्न और सूखे मांस वाली घरघराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर धर्मदत्त कांपने लगा और भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके कल्हा बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी? नारद जी बोले, इस प्रकार नर्म होकर विनती करती हुई कल्हा की दीन दशा को देखकर अति विस्मित होकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है? पहले जन्म में तू कौन थी, कैसा तेरा स्वभाव था? जिस भी कर्म के कारण तेरी ऐसी दशा हुई है, वह सब मुझसे कह। कल्हा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कल्हा नामक कठोर स्वभाव वाली स्त्री थी, जो कि मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने में मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें सदा धोखा देती रही। मुझको सदा कलह ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर और मारते हुए यमलोक ले जाने लगे। यमराज मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया हो और यह उसका फल पाए। कल्हा बोली, हे विप्र। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुला पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। यह अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र बटला आदि में भोजन करती थी और इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। इससे यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो, अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कहकर अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया गया। वहां मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। तत्पश्चात मुझे तीनों प्रेत योनि को भेजी गई। कल्हा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए हुए कर्म से भूख प्यास से दुखित होकर रहती हूँ। भूख प्यास से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर पहुँची। तब उसके तट पर गई तो उस व्यक्ति के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। तत्पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे सभी पाप दूर हो गए। हे विपेंद्र, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली तीन योनियों तथा इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मण,
इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी ग्लानि युक्त दशा को विचार कर बहुत देर के बाद बोला। इति श्री कार्तिक मास महात्म 19वां अध्याय संपूर्ण।